हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन एएससी स्टार्टर। डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में मैं आपसे ना क्लास 9 का हिंदी का मॉर्निंग शिफ्ट का लास्ट ईयर का पेपर डिस्कस कर रहा हूँ। देखिए, मैंने और भी सब्जेक्ट की वीडियोस आपको प्रोवाइड की हैं, ठीक है। मैं आपको और बहुत सारी वीडियोस प्रोवाइड करूंगा, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में ना मैं आपको हिंदी का जो है पेपर लास्ट ईयर का दिखा रहा हूँ, ताकि आप प्रैक्टिस कर पाए और आइडिया ले सके कि पेपर कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले तो एक पैसेज आएगी, ठीक है। आपको इसे अच्छे से डिटेल में पढ़ना है, और फिर पढ़ने के बाद फिर आपको इनके प्रश्नों के उत्तर देने हैं। और देखिए, बच्चे ना पैसेज में बहुत जल्दबाजी करते हैं। जब यहाँ पर लिखा है 5 मिनट, तो कम से कम आपको 10 मिनट एक पैसेज पर लगाने हैं और अच्छे से करने हैं, ताकि कोई गलत ना हो, ठीक है, और आपके अच्छे मार्क्स आए। और ये एसेशन रीजन वाले क्वेश्चन ध्यान से करना। पहले आप देखना कि दोनों ट्रू है। अगर दोनों ट्रू है, तो क्या ऊपर वाली लाइन नीचे वाले की वजह से या रीजन नीचे वाला है, तो फिर हम टिक कर देंगे कि यहाँ पे सही व्याख्या कर रहा है। जैसे तो गांधी जी कभी कसरत व क्रिकेट या फुटबॉल में नहीं गए थे, तो शर्मीले स्वभाव के कारण गांधी जी कसरत व खेलों के लिए जाने से बचते थे। अब आपको ये पढ़ के पता लगेगा कि कौन सी बात सही है गलत है, ठीक है। आप इसके आंसर वगैरह देखना चाहते हैं ना, तो मैंने आंसर की वीडियो बना रखी है। आप क्लास 9 हिंदी, फिर एएससी स्टार्टर लिखना, आंसर के लिखिए स्टार TER स्टार, ठीक है, एएससी स्टार्टर, ठीक है। अब आगे देखते हैं और क्या आया हुआ। तो ये क्वेश्चन आंसर, इस पे जो टिक लगे वो गलत भी हो सकते हैं, ठीक है। ये वेरीफाई नहीं किए हुए, किसी बच्चे ने करे, तो उसी के पेपर है, तो उसी को मैं दिखा रहा हूँ लास्ट ईयर जो बच्चे को है। फिर सेकंड जो क्वेश्चन है वो आपकी मतलब जैसे ये पैसेज है ना, तो बिल्कुल वैसे ही काव्यांश के रूप में यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ देखो, एक काव्यांश के रूप में मैं बिल्कुल आराम से दिखा रहा हूँ, ताकि आप एक लाइन को आराम से पढ़ें और अच्छे से उसको पढ़ने के बाद फिर इन प्रश्नों के उत्तर दें। सुन रहे मेरी बात? इस तरीके से ये देखो, यहाँ पर भी है, उसके बाद यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 3 देखेंगे ना, ये आपकी व्याकरण से ये समझा देता हूँ। देखो, प्रतिभावान में प्रत्यय बताइए। देखो, प्रत्यय वो होता है जो मूल शब्द से हटाने के बाद, ठीक है ना, मतलब मूल शब्द से हटाने के बाद जो मूल शब्द है उसका अर्थ हो। तो आप देखो, अगर मैं प्र हटाऊंगा तो प्रतिभावान को मतलब नहीं होता, ठीक है। तो या और अगर मैं वान हटाऊंगा तो प्रतिभा का मतलब होता है। तो प्रत्यय जो है पीछे लगता है, पहली बात तो ये पता होना चाहिए। तो यहां पर आंसर क्या आ गया? वान। ये गलत है, ये तो इन्होंने उपसर्ग पर टिक कर रखा है, इसलिए मैंने कहा जिसका आंसर लगे वो गलत भी हो सकते हैं। मैं ग्रामर समझाता हूँ। ये कह रहा असंख्य में कौन सा उपसर्ग है, तो आप देखोगे यहाँ पे अ लिखा हुआ है, तो जो अ लिखा हुआ है ना वो है आपका उपसर्ग, क्योंकि अ को हटाने पे संख्य का मतलब होता है। फिर कह रहा पहाड़ी शब्द से मूल शब्द और प्रत्यय अलग कीजिए, तो पहाड़ जमा बड़ी ई, तो पहाड़ जमा बड़ी ई आए, क्योंकि देखो जब हम किसी प्रत्यय या उपसर्ग को अलग करते हैं ना, तो उस मूल शब्द का अर्थ होना चाहिए, ठीक है। फिर यहां पर है कुमारगी शब्द से उपसर्ग और प्रत्यय अलग कीजिए, तो आप देखो यहाँ पे कु तो उपसर्ग हो गया, और बड़े ई की मात्रा जो हो गई वो क्या हो गई? आपकी प्रत्यय हो गई। तो इसने बोला था उपसर्ग और प्रत्यय अलग करो, तो कु और बड़े ई, ये बड़ा ये नहीं, ये तो गा थोड़ी हो सकता है। देखो, कु अलग करेंगे, मार्ग अलग करेंगे, ई अलग करेंगे, मतलब देखो कु अलग करेंगे, मार्ग अलग करेंगे और बड़े ई अलग करेंगे, तो ये और ये उपसर्ग है प्रत्यय। तो आपको पता ही होगा आपके सिलेबस में उपसर्ग प्रत्यय आ रहा है, तो यहां पर 4 करने होंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर आप देखो, यहाँ आपको मैचिंग करनी है। जैसे लड़कपन है, तो ये क्या है? पन पहले दे रखा है, भुलक्कड़ ये रहा अक्कड़ प्रत्यय है ना, फिर मनुष्यता आता आ गया, तो ये रहा, तो ये हमारा क्या हो गया? मैचिंग हो गई। इसके बेस पर हम यहां पर टिक कर देंगे, तो पहले का पन था, तो पहले का पहला कौन से में? पहले का पहला ये रहा, इसमें भी है। अब चेक करना है दोनों में से कौन सा ठीक है। तो दूसरे का यहाँ पर जो था हमारा, ये था तीसरा, तो दूसरे ये आ गया हमारा, ठीक है ना भाई। तीसरा अपना भी सही हो गया, जब दो सही है तो हाँ है ना। अभी कह रहे समास विग्रह करो, आपके कोर्स में समास विग्रह है ना, गुण दोष जब ये डैश लिखा आ जाता है तो और लगाते हैं, क्या लगाते हैं? और भी आंसर आ गया। फिर ये शताब्दी समस्त पद में समास कौन सा है? देखो ये गिनती आ गई,
और जब गिनती आती तो उसे बोलते द्विगु समास, ये गलत है। फिर कह रहे जिस समस्त पद में पहला पद संख्यावाचक गिनती हो, तो ऊपर दे ही रखा था गिनती हो तो उसे क्या बोलेंगे, द्विगु समास। तो इसलिए ग्रामर पढ़नी चाहिए ना अच्छे से। कर्मधारय समास किसे कहेंगे, कर्मधारय में जब पहला शब्द दूसरे की विशेषता बताते, जैसे चंद्रमुखी मुख कैसा, चंद्रमा जैसा, कंठ कैसा, नीला है, ठीक है, तो ये दोनों के दोनों क्या कहलाएंगे, कर्मधारय समास कहलाएंगे। तो तीसरा दूसरा ये आंसर आ गया। ये कौन सा समास है, द्वंद समास है, ये गिनती आ गया तो द्विगु समास है, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर है ती पहिया, गिनती आ गई तो कौन सा, द्विगु। पहले का तीसरा देखो किसमें है, इसमें और इसमें, ये दोनों कट गए। फिर चक्र पाणी, देखो चक्र को धारण करने वाले विष्णु भगवान जब दो शब्द तीसरे के बारे में बताते हैं उसे बहुव्रीहि कहते हैं, दूसरे का पहला, तो हमारा आंसर ये आ गया, क्योंकि दो सही है तो तीसरा अपने आप सही होगा। फिर उसके बाद हमारी जब हम आगे बढ़ते हैं ग्रामर में, तो अर्थ की दृष्टि के धर्म वाक्य के भेद, क्या तुम सोने से पहले ब्रश करते हो, क्वेश्चन पूछ रहा है तो प्रश्नवाचक हो गया। फिर वाक्य बारिश रुकती तो मैं घर जाता, बारिश रुकती तो मैं घर जाता, तो ये क्या दे रहा, संकेत दे रहा है, तो संकेतवाचक आ गया। गीले कपड़े धूप में सुखा दो, ये क्या दे रहा है, वैसे तो आगे दे रहा है लेकिन इसे निषेधवाचक बनाना है, मतलब नहीं लगाना है, तो गीले कपड़े धूप में मत सुखाओ, ठीक है, तो ये आ गया, गीले कपड़े धूप में मत सुखाओ। देखो जो टेंस है ना वही रहना चाहिए, आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। प्रैक्टिस हो रही है ना आपकी, ऐसी बहुत सारी वीडियोस पुरानी देख सकते हो आप चैनल के अंदर जाके, बहुत सारी बना रखी है, अलग अलग सब्जेक्ट की बना रखी, प्लेस भी होगी कहीं की। फिर नेक्स्ट है, जिन वाक्यों में इच्छा कामना या आशीर्वाद आदि का बोध हो वहां अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य भेद होता है, जहां पे आशीर्वाद कामना और इच्छा की बात की जाती है, तो इच्छावाचक हो गया ना, कि भाई तुम सब अच्छे नंबर लाओ, सब अच्छे नंबर से पास हो जाओ, ठीक है, तो इस तरीके से। संदेहवाचक वाक्य बताओ, तो जहां शायद लग जाता है, शायद आज पुस्तकालय बंद हो, ठीक है। फिर उसके बाद यहां पर बोला गया अलंकार बताने, तो आपके कोर्स में जो जो अलंकार है वही वाले आएंगे, उससे एक्स्ट्रा नहीं आएंगे। मेरी काल कोठरी काली, देखो क क क जब पहला अक्षर सेम आता है उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। क्षितिज अटारी गहराई दामिनी दमकी, तो देखो यहां पर आप देखो कौन सा अलंकार है, यहां पर जो अलंकार है ना वो उपमा अलंकार है, उपमा दी जा रही है यहां पर। दामिनी जो है ना वो दमक रही है, मतलब जो बिजली है वो चमक रही है। क्षितिज पर, क्षितिज मतलब जहां धरती और आकाश मिलते हुए प्रतीत होते हैं, वैसे तो उपमा अलंकार की पहचान साहसी से सरी सम से हो जाती है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा अलग कुछ एक्सेप्शन होती है, तो यहाँ पर वही था। अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर अलंकार बताना आपको, या मुरली मुरलीधर की अधारण धरी अधारण धरूंगी। यहाँ पर देखो मुरली ये बांसुरी के लिए हुआ है, मुरलीधर श्री कृष्ण के लिए हुआ है, तो यहाँ पर दो बार मुरली आया लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, तो यहाँ पर अलंकार होगा यमक अलंकार, ठीक है। जब दो शब्द आए उसके अर्थ अलग अलग होते हैं ना, तो उसे हम यमक अलंकार कहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर उपमा अलंकार का उदाहरण कौन सा पूछ रहा है, तो जब सास ही से लगा आ जाता तो वो उपमा अलंकार होता है, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पर शशिमुख, यहाँ पर रूपक हो गया, ठीक है, च च च च आ गया, अनुप्रास अलंकार हो गया। यहाँ पे कोमल कोयल कुक्ति, यहाँ भी अनुप्रास अलंकार हो गया, तो यहाँ पर सी आ गया, ये कौन सा अलंकार है, उपमा अलंकार। ये कह रहे किन्हीं दो वस्तुओं के गुण आकृति स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या दो भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए तो कौन सा अलंकार होता है, तो ऐसे अलंकार को हम बोलते हैं उपमा अलंकार। अगर यहाँ पे अभेद हो जाता ना, अभेद दो वस्तु में अंतर है, अंतर ही नहीं है, मतलब अंतर ही नहीं है, तो रूपक हो जाता। बाकी आप जो आपकी बुक में से चैप्टर वगैरह ना पैसेज वगैरह आप उनको देख सकते हो और आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो, आप ये देख सकते हो। इसमें जो टिक लगे हैं गलत भी हो सकते हैं, इन पर ध्यान मत देना, अपने आप प्रैक्टिस कर लेना, प्रैक्टिस कर लो। ये आपको ना पढ़ के इसके आंसर देने हैं यहाँ पर।
खंड बा में क्वेश्चन देख लो कैसे आया है। देख लो भाई, ये जो ये पैराग्राफ तीनों में से किसी एक पे करना है। यहाँ पर पत्र आया हुआ है और ये आप देखो, यहाँ पे लघु कथा लिखनी है आपको। अपने कोई भी कहानी बना बना के लिखनी है या ईमेल करना है। आप ईमेल लिखो, ऐसे स्टार्टर को वीडियो मिल जाएगी। संवाद दो जनों के बीच की बातचीत है, ठीक है। दोनों में से कोई एक करना है। यहाँ पे सूचना तैयार करनी है। अब दोनों में से एक किसी की भी तैयारी कर सकते हो। दोनों करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। तो इतना ही था इस वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक केयर ऑल स्टूडेंट।